समस्याओं का ओरिजन ही होता है जब शरीर में जो है वो विषैले तत्व जमा होते हैं। तो कहते हैं कि अगर कारण को खत्म कर दो तो कारक खत्म हो जाता है। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। This is motivational Mamta. I'm back with a new topic. और हमारे साथ हैं world fame Dr. Umang Khanna ji. नमस्कार. So, sir, thank you for giving me some time. सर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर ये क्वेश्चन सर एक्चुअली मोटिवेशनल ममता पे श्रोताओं ने ऑडियंस ने शेयर किए हैं ये क्वेश्चंस। बॉडी डिटॉक्स के बारे में जैसे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कैसे हम किस तरीके से हम इसको डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि खाना पीना हम लोगों का आजकल कैसा है वो सर सब जानते हैं कि हमको ये लगता है कि हम पैसे कमाते हैं तो हमें पूरा राइट है हम अपने हिसाब से लाइफ को जिए, और खाना हम कोशिश करते हैं कि नहीं अगर घर में खा पाए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अजीब है तो हम बाहर खा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सर सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो सर बॉडी डिटॉक्स के लिए क्या करें, कैसे हम इसको कर सकते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। समस्याओं का ओरिजन ही होता है जब शरीर में जो है वो विषैले तत्व जमा होते हैं। तो कहते हैं कि अगर कारण को ख़त्म कर दो तो कारक ख़त्म हो जाता है। तो जो है कारण बॉडी डिटॉक्स ही है। डिटॉक्स करने की मित्रों रामबाण दवा मैं आपको बताता हूँ। डिटॉक्स करने की होम्योपैथी में बॉडी को एक दवा आती है जिसको हम आप सब जानते हैं, और वह है नीम यानी कि एजा डायरेक्टा इंडिका। अगर आपको अपना बॉडी डिटॉक्स करना है, विश्व का सब सर्वोत्तम डिटॉक्स बता रहा हूँ मैं, एजा डायरेक्टा इंडिका दवा आप जो है इसका मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम ले लें। इसको एक हफ्ते में मतलब 6 महीने में एक बार ले लें या 3 महीने में एक बार एक हफ्ता ले लिया करें, आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, बॉडी की सारी इम्प्योरिटी दूर हो जाएंगी और जो होने वाली समस्याएँ शारीरिक हैं वह आपको नहीं होंगी। इसके अलावा साथियों बॉडी को डिटॉक्स करना है तो कुछ ना करें, नीम की पत्ती ले लें, नीम की पत्ती को सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, साथ में हल्दी का पाउडर मिला लें, हल्दी और नीम का पाउडर बराबर मात्रा में बना के एक डब्बा बना लें, रोज़ एक चम्मच वह नीम हल्दी का पाउडर पी लिया करें। विश्व का सर्वोत्तम डिटॉक्स का फार्मूला यही है और यह एक तरह से निःशुल्क है। नीम की पत्ती आपको फ्री मिलती है पारिक में, कहीं से भी आप ले लीजिए, सड़कों किनारे भी आज भी, और हल्दी हम सबके घर में मौजूद होती है तो आप नीम हल्दी से बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि दोनों की कितनी मात्रा होनी चाहिए? आधा बराबर बराबर 50-50% होनी चाहिए और ये आपको जमा रखेगी, इससे तन भी जमा रहेगा, मन भी जमा रहेगा, आपका बॉडी भी डिटॉक्स रहेगा और आपको अच्छा भी फील होगा, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। आज का जो समाज है ये नॉन फॉरगिविंग समाज है, यहाँ पे गलती की कोई स्थान ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो जब आपका मन अच्छा रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप अपने परिवार को, अपने आसपास लोगों को, ज़रूरतमंदों को, पड़ोसियों को ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है सर ने कि सोसाइटी में एकदम बिल्कुल फॉरगिविंग नहीं है ये, अगर आपने एक गलती की है तो लोग उस चीज़ को फॉरगिव नहीं करना चाहते। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ये कि हम जो करेंगे ना वो बेस्ट करेंगे, हम प्रोडक्टिव रहेंगे और हम अपनी लाइफ में जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे अपने लिए, लोगों के लिए।